तक दाल में पानी डालने से पेट जिंदा नहीं रहेगा, दाल भी जिंदा नहीं रहेगा, पत्ता में पानी देने से पत्ता भी जिंदा नहीं रहेगा, पेड़ भी जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन पेड़ की जड़ में पानी देने से तरीका है। इसी के लिए के सब कारणों कारण जो गोविंद है, वही गोविंद की सेवा करने से, वही नारायण की सेवा करने से, कृष्ण की सेवा करने से सेवा बाकी रहते हैं किसी का बाकी रहते हैं। तब समझ में होगा भगवान के ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है। भगवान को तुम भगवान नहीं मानते हो, पत्थर मानते हो, पुतुल मानते हो, तुम्हारा कल्पित वस्तु मानते हो तुम भगवान को, मुख्य भगवान को तो भगवान नहीं मानते हो तुम। भगवान तो सर्वशक्तिमान, तमाम ऐश्वर्य युक्त है, तो उनकी सेवा करने से कोई काम बाकी रहते हैं? कोई काम बाकी रहते हैं? कुछ भी काम बाकी नहीं है। कश्मीर दुष्टे जो सब शब्द शांति कराते हैं पुरोहित उन्हें बनाते हैं मंत्र, कश्मीर दुष्टे प्रियताम कुंडली काश, अट्ठी में मंत्र बनाते प्रियताम कुंडली काश, हे कुंडली काश आप प्रसन्न हो जाओ, प्रियता आगे कुंडली काश, इसलिए मुझे बोला तो तुम इतनी श्रद्ध करते हो, मुझे बोला था किसी सर्वज्ञेश्वर आप तमाम यज्ञ का ईश्वर है, कष्ट है, भोक्ता है, सर्वज्ञेश्वर हरि आप हरी तमाम यज्ञों का ईश्वर है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नी यज्ञ, जो कोई यज्ञ करे तमाम यज्ञों का ईश्वर तो आप आए, कर्ता पाए, नियामक पाए, नियंता पाए, भोक्ता पाए, सर्वज्ञेश्वर हरि कृष्ण तुष्टि जगत तुष्टम प्रीदेव प्रीतम जगत, तुम्हारी तृप्ति से दुनिया की तृप्ति, तमाम देवता की तृप्ति, इसलिए वही भगवान की आराधना करने से, भगवान की सेवा करने से भी अपराध होता है, पाप हो सकता है, कसूर हो सकता है, तो काम बाकी रह गया। जहां पर विचार ये काम नहीं हुआ, कसूर हुआ, भगवान के भगवान का भगवत स्वरूप नहीं विश्वास करता, भाव मुख्य कहता है भगवान, ये भगवान को विश्वास नहीं करता, भगवान की भगवत्ता में विश्वास नहीं करता, भगवान की सेवा करने से तमाम हो जाता है। इसीलिए देखिए ना, शंकराचार्य कौन उम्र में आया था संसार छोड़ के, उनका पिता माता नहीं था, रामानुजाचार्य शादी भी किया छोड़ के नहीं आया, मध्वाचार्य पिता माता का सामना में 12 साल उम्र में संन्यास किया, अधर्म नहीं हुआ, पिता माता है उनको छोड़ के संन्यास किया, निम्बादित्य विष्णु स्वामी हरेक आचार्य का चरित्र देखिए, चैतन्य महाप्रभु 24 साल जब स्वामी भगवान 24 साल उम्र में छोड़ के संसार छोड़ के चला आया, घर में विधवा जननी और पत्नी विष्णु प्रिया देवी थी, बुद्धि नहीं थी, चौबीस साल उम्र में चैतन्य देव संसार छोड़ दिया, उनकी पत्नी का उम्र ज्यादा ज्यादा 16 साल, विष्णु प्रिया देवी का छोड़ दिया, आप नहीं हुआ तो कैसे पाप होगा, जब मनुष्य विचार भी करे तो भगवान के ही किया, पाप कैसे होगा, शंकराचार्य संसार चला पाप हुआ, पाप कैसे होगा, पूर्ण ब्रह्म के लिए संसार चला कि पाप कैसे हो सकता है। इसी प्रकार सब आचार्यों का चरित्र देखिए, अद्भुत अद्भुत चरित्र, इसलिए कहते हैं मदच्छे तक्त कर्मा, भगवान कहते मेरे लिए जो कर्म त्याग करते हो साधु, तक्त स्वजन बांधवा, मेरे लिए जो स्वजन को अर्थात कुटुंब को और बांधवों को छोड़ देता वो साधु, स्वजन को अर्थात कुटुंब को बांधव को पालन करना कष्ट है, इसलिए घर छोड़ के भाग के जाता है और फुर्ती उड़ाते हैं, इसको साधु नहीं करता, तो सच्चा चल जाए, तो गंदा आदमी है, कर्तव्य भी पालन नहीं करता, लेकिन भगवान के लिए जो अपना स्वजन बांधव को त्याग देते वो सब मदद थे तक को स्वजन बांधव, अंडरलाइन मदद थे दावे के पढ़ने होगा, मदद थे तक को स्वजन बांधव,
मेरे लिए जो अपना स्वजन को जो जमाना का भरसा मृत्यु का बाद भी स्वजन लोक मुक्त करेगा हमको सर्वभू करे पिंडा विधान करते हुए मुक्त करेंगे। इसी प्रकार स्वजन को भी त्याग देते हैं जो भगवान के लिए मदत के सख्त सजन बांधवा मदत सया कथा मृत्या भगवान के मिर्चा नहीं जब भी नहीं मिलता तब भी परवाह नहीं आए सिर्फ मेरी शुद्ध जो मालूम होने से तब हमारा साधन होगा। जब संबंध ही मालूम नहीं पड़े अपना स्वरूप ज्ञान नहीं है तब कैसे क्या गुरु कृपा देना नहीं साधन बाल